ये प्रदर्शन सिद्धा में भी बहुत जल्द होना हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो तिरंगा है तो इसी तिरंगे में मर जाएंगे सर, क्योंकि जिस हिसाब से तंग किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, तो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? गरीब लोग जाएँ, जिनके पास तो पैसे होंगे सर, अमीर होंगे, उनका एक तोड़ा तो वो 10 बना लेंगे, लेकिन जिस गरीब ने मेहनत मजदूरी करके एक पाई पाई करके जोड़ के एक कमरा बनाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर से कहाँ से बनाया? वो तो उसी दिन मर जाएगा ना जिस दिन उसकी एक ईंट भी हिल गई। सरकार का इस समय पीला पंजा हर किसी की मुसीबत बना हुआ है। और कल एक जगह पर एक हंगामा देखा गया बठिंडी में, कल जिस तरह से सरकार की टीम वहां पर पहुंची, लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया और ये मांग की कि गरीब लोगों पर ये सरकार का पीला पंजा नहीं चलना चाहिए। मेरे साथ इस समय शबा अख्तर जी हैं जो कि कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर 71 से। मैम, जिस तरह से सरकार का पीला पंजा हर किसी पर हावी है, कई इससे सहमत भी है लेकिन कई जगह पर नाराजगी भी जो है वो देखी जा रही है, आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड आपका? सर, सहमत तो वहाँ पे ये है जहाँ पे गलत हो रहा है, मगर जहाँ पे गरीब लोगों की बात आती है, जैसे मैं अपनी वार्ड की बात करूँगी, आज हाउस में एक रेजोल्यूशन भी मेरी तरफ से आया है कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके मतलब उनको हरास ना किया जाए, उनको तंग ना किया जाए। मैं अपने ही एरिया की बात करूँगी तो सर, इतनी ज़्यादा परेशानी है मेरे एरिया में आजकल, स्पेशली आजकल इतना बर्निंग इशू है सर। एक तरफ से फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं, एक तरफ से JDA वाले तंग करते हैं, और अब नया ही एक वो हो गया कि स्टेट लैंड खाली करो, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कोई अपने हाथों से तो कोई तैयार की नहीं जाएगी ना ज़मीन, ज़मीनें तो वहाँ ही हैं, पुराने लोग 47 से पहले के रहने वाले हैं, इतने पीढ़ियाँ इतनी गुजर गई हैं, वो वहाँ पे रहने वाले हैं। आज वो अपनी मर्ज़ी से एक ईंट तक अपने मकान में नहीं लगा सकते, ईंट तो छोड़ें सर, कच्चे मकान है, किसी की कोई दीवार गिर जाए वो भी डरता डरता अपनी दीवारों को वो बनाता है कि पता नहीं कहीं JDA वाले ना आ जाएँ या कोई ना आ जाए। आज जब हाउस में ये रेजोल्यूशन रखा गया, यही डिमांड करी गई कि लोगों की आवाज़ एक इस हाउस तक पहुंचाई गई, तो कि सहमति मिली जब आपने ये रेजोल्यूशन डाला, तो सहमति मिली यहाँ के तमाम कॉरपोरेटरों के, यहाँ फिर जम्मू के मेयर, सहमति मिली सर। एक कमेटी का इन्होंने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की यहाँ पे कि वो आपस में डिस्कस करके हमारी आवाज़ को जो है LG तक पहुँचाएगी। तो अब देखते हैं आगे मेयर साहब इस पे कितना हमारे उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं और लोगों की आवाज़ कहाँ तक पहुँचा। बहुत सारे लोगों से जो है वो सरकारी ज़मीन जो है वो वापस ले लिए, चाहे केंद्र जो मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, कई बड़े नेताओं के जो हैं उनसे स्टेट लैंड खाली करवा दी गया। अगर बठिंडी में अगर किसी ने स्टेट पर कब्जा किया है तो उसको हटाया जाएगा, तो उसमें क्या परेशानी क्या होगी सर? उस पे उस चीज़ का तो हम कर ही नहीं रहे हैं ना। अगर स्टेट लैंड कहीं पे कब्जा हुआ है, कहीं इंक्रोचमेंट हुई है, जैसे आप किसी मिनिस्टर, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, मगर कोई भी मिनिस्टर या किसी बड़े बंदे की आप बात कर रहे हैं जो रिच हैं, जो काफ़ी मतलब अपना पैसे वैसे हैं, तो उनके लिए कुछ भी है, हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, किसी डिपार्टमेंट में कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, वो उनका काम है, स्टेट लैंड है या जो भी है वो उस पर कार्रवाई करे, लेकिन गरीब लोगों को मत तंग करे। जैसे अभी गवर्नर साहब ने रीसेंट January 2021 को कुछ उनका एक बयान आया था कि नहीं जी गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, तो सर अगर उन्होंने बोला तो प्लीज़ मैं एक हाथ जोड़ के विनती है गवर्नर साहब से कि अगर ऐसा कुछ है तो एक सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि गरीब लोगों को तंग ना किया जाए ताकि वो भी एक राहत की सांस ले सके। उन्होंने तो बोल दिया लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी उन गरीबों को किसी को नोटिस आ रहे हैं, वो बेचारे आज भी चैन की नींद सो नहीं रहे हैं। मैम, आप इस चीज़ से सहमत है कि जो उस समय की सरकारें रही हैं उन्होंने गलत तरीके से जो है अमीर लोगों को या फिर अपने मंत्रियों को गलत तरीके से जो है वो ज़मीन दी है, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, जो गलत है तो वो गलत ही है, उस पर मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जो गलत किया है तो वो भुगतेगा ना आज। जिसने बठिंडी में भी आपने देखा लोग प्रदर्शन के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का भी उन्होंने सबूत दिया है और उन्होंने मांग की है कि जिसके पास गरीब तबके के जो लोग हैं, जिसके पास अगर 4 मरला 5 मरला की ज़मीन है भी है, तो उन्हें परेशान ना किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जायज़ डिमांड है और हो सकता है कि ये प्रदर्शन सिद्धा में भी बहुत जल्द होना हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो तिरंगा है तो इसी तिरंगे में मर जाएंगे सर, क्योंकि जिस हिसाब से तंग किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है, तो लोग जाएं तो जाएं कहाँ? गरीब लोग जाएं, जिनके पास तो पैसे होंगे सर, अमीर होंगे, उनका एक तोड़ा तो वो 10 बना लेंगे, लेकिन जिस गरीब ने मेहनत मजदूरी करके एक पाई पाई करके जोड़ के एक कमरा बनाया, तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर से कहाँ से बनाया? वो तो उसी दिन मर जाएगा ना जिस दिन उसकी एक ईंट भी हिल गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
का भी नाम इसमें सामने आया। उनका ये कहना है कि जो उनका नाम भी जो है उस लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोठी वहाँ पर बनाई है वो भी स्टेट लैंड पर ही बनी हुई है, अगर उन पर कार्रवाई होती है तो कोई परेशानी नहीं। जी सर, जो बड़े जिसने गलत, वही मैं आपको यही चीज़ बोल रही हूँ कि जिसने गलत किया है वो भुगतेगा, जिसने गलत किया। लेकिन हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं बस कि गरीब लोगों की एक आवाज़ बन के आज हम यहाँ पर बोल रहे हैं, उन गरीब लोगों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, उनके साथ जस्टिस हो, बस यही विनती है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से यही मांग की जा रही है कि गरीब तबके को परेशान ना किया जाए। अगर कोई भी बड़ा मंत्री इसमें शामिल होता है या फिर कोई अमीर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कल जिस तरह से बठिंडी में प्रदर्शन किया और लोगों ने यही मांग की है कि गरीब तबके को लेकर इसमें उन्हें हरास ना किया जाए, उन्हें तंग ना किया। अगर कार्रवाई करनी भी है तो जो उन्होंने इस पर पूरा गलती की है या फिर उस समय जो सरकार रही अगर उनकी गलती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कर भी रहा। इस सबको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।